हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू प्रो मेडिको। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट एक्चुअली द स्केलेटल सिस्टम इज़, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ये किसी भी बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क माना जाता है। अब ये सेंट्रल फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म या फिर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई फ्रेमवर्क। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसमें बहुत सारी बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जब ये बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जुड़ते हैं तो ये हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बहुत सारे कार्टिलेजेस, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स होते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम की बोन्स हैं उसके साथ हमारी बहुत सारी मसल्स भी जुड़ी होती हैं। दैट इज़ वाई इसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेजेस, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, ये होते क्या हैं? जो हमारा बोन है ये हमारे बोन सेल से बना होता है। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। जब ये ऑस्टियोसाइट्स हमारे ऑशियस टिश्यू या फिर जिसको हम नॉन लिविंग मैट्रिक्स भी कहते हैं, जब ये ऑस्टियोसाइट्स हमारे ऑशियस टिश्यू में एम्बेड हो जाते हैं तो ये हमारे पास एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोन कहते हैं। नाउ कम्स द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कोई भी ऐसा टिश्यू होगा जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट कम्स द कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो हार्ड टू सॉफ्ट या सॉफ्ट टू हार्ड होगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे भी दो बोन्स ज्वाइन कर रही होंगी उनके सराउंड में जो टिश्यू होगा उसे हम कार्टिलेज कहेंगे। नाउ कम्स द टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। अभी टेंडॉन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जब दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स जुड़ती हैं, और जब एक बोन मसल के साथ जुड़ती है तो वो विद द हेल्प ऑफ टेंडॉन्स जुड़ती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट कम्स द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को शेप और फॉर्म प्रोवाइड करता है, बट बिसाइड ऑल ऑफ दिस ये दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन इसमें आता है सपोर्ट। अब ये सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करता है? जो हमारी बोन्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज स्टील गर्डर्स एंड री इन्फोर्स्ड कंक्रीट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक बिल्डिंग बिल्ड करने के लिए हमारे पास स्टील, सीमेंट, कंक्रीट ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए, उसी तरीके से जो बोन्स होती हैं वो स्केलेटल सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक बेसिक यूनिट होती हैं। ये बोन्स या फिर स्केलेटल सिस्टम जो है ये एक इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, और सॉफ्ट ऑर्गन्स के लिए क्रेडल या फिर प्रोटेक्शन फॉर्म करते हैं। और जो हमारी लेग्स की बोन्स होती हैं वो एज पिलर्स एक्ट करती हैं और हमारी बॉडी ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जब भी कोई इंडिविजुअल स्टैंड होता है। और जो हमारा रिब केज है ये हमारे थोरेसिक वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कम्स द प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? हमारी बोन्स जो हैं हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स या फिर वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जो हमारा स्कल है या फिर जो हमारा क्रेनियम है वो उसमें बहुत सारी फ्यूज्ड बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को एनक्लोज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। उसी तरीके से हमारे वर्टीब्रे जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा रिब केज जो है हमारे थोरेसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, लाइक लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट कम्स द मूवमेंट, ठीक है। अभी मूवमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करता है? जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे बोन्स के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडॉन्स, वो मसल्स जो है हमारी बोन्स को एज लिवर्स यूज़ करती हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। देन कम्स द स्टोरेज। जो मैक्सिमम फैट ऑफ द बॉडी होता है वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स की इंटरनल कैविटीज़ में स्टोर होता है। और ये जो बोन्स होती हैं ये स्टोर हाउस फॉर द ये एक्ट करती हैं या फिर सर्व करती हैं एज अ स्टोर हाउस फॉर द मिनरल्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के बोन्स में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है वो हमारी बोन्स में ही डिपॉजिट होता है एज कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है। ये जो बोन्स होती हैं ये कन्वीनियंट प्लेस होता है कैल्शियम आइंस को फाउंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड सेल फॉर्मेशन या फिर जिसको हम हेमाटोपोयसिस या फिर हेमोपोयसिस भी कहते हैं, ये जो ब्लड सेल फॉर्मेशन है ये हमारे बोन मैरो में
टेक प्लेस करता है, और ये जो बोन मैरो होता है ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है बोन्स जो है हमारे पास एक साइट एक्ट करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।